नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। मैं हूं आपके साथ काविंद्र चौहान। आइए रुख कर लेते हैं उत्तराखंड की खास खबरों की ओर। उत्तराखंड में तीसरे मुख्यमंत्री के रूप में बीजेपी नेता पुष्कर सिंह धामी की ताजपोशी के बाद विपक्षी पार्टियों को हमलावर होने का मौका मिल गया है और वो लगातार राज्य सरकार पर निशाना साधने में लगे हैं। इसी के चलते कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हरीश चंद्र दुर्गापाल ने अपने आवास पर आयोजित प्रेसवार्ता में बीजेपी को घेरे में लेते हुए कहा कि उत्तराखंड को एक बार फिर अस्थिरता के मुंह में झोंकने का काम बीजेपी ने किया है। बीजेपी को रिकॉर्ड 57 विधायकों का प्रचंड बहुमत मिला था, लेकिन राज्य की जनता के साथ विश्वासघात हुआ है और ये जनता भुला नहीं पाएगी। परिपाटी जो है भाजपा की, निश्चित रूप से जनता के लिए बड़ी दुखदाई है। बार बार मुख्यमंत्री बदलने से पूरी व्यवस्थाएं बदलती हैं और अभी अभी ये तीसरे मुख्यमंत्री हैं, तो इस प्रकार जो हमारी योजनाएं हैं, जो विकास की हैं, जो डेवलपमेंट की हैं, जो अन्य कामकाज की योजना हैं, सब प्रभावित हैं। और विशेष रूप से मैं ये कहना चाहूँगा कि ये जनता के साथ बड़ा भारी धोखा है। उत्तराखंड को मैं यह प्रयोगशाला बना करके ये मुख्यमंत्री बदलने की परंपरा को भाजपा ने जो डाला है। पौड़ी गढ़वाल पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और तीरथ सिंह रावत का गृह क्षेत्र भी है। नगर पंचायत सतपुली में नगर पंचायत अध्यक्षा अंजना वर्मा बीजेपी से ही हैं और उनके स्वयं विकास की पोल को खोलने वाले भी बीजेपी के युवा नेता जगदम्बा डंगवाल हैं। जगदम्बा डंगवाल ने बताया कि नगर पंचायत की ओर से 3 बोर्ड लगवाए गए हैं। ये बोर्ड उत्तर प्रदेश की फर्म ने लगाए हैं, तो क्या उत्तराखंड में कोई ऐसी फर्म नहीं है जो बोर्ड लगाती हो? यही नहीं, नगर पंचायत हर बड़े छोटे सामान को उत्तर प्रदेश से ही क्यों मंगवा रही है, जबकि ऐसा कोई भी सामान नहीं है जो उत्तराखंड में ना मिलता हो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैबिनेट में नैनीताल सांसद अजय भट्ट के रक्षा मंत्रालय और पर्यटन मंत्रालय में राज्य मंत्री बनने पर लालकुआ में खुशी की लहर है। यहां बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर खुशी का इजहार किया। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने केंद्र में राज्य का मजबूत प्रतिनिधित्व मिलने से विकास की गति दोगुनी होने की उम्मीद जताई है। यहां नैनीताल सांसद अजय भट्ट के केंद्रीय राज्य मंत्री बनने पर आज लालकुआ वरिष्ठ बीजेपी नेता और पूर्व नगर पंचायत अध्यक्ष पवन कुमार चौहान के नेतृत्व में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने कोतवाली चौराहे के पास मिठाई बांटी। साथ ही कार्यकर्ताओं ने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर खुशी जताई है। प्रशासनों में कभी इस तरह की चर्चा भी नहीं की होगी, ऐसी समस्याओं को अजय भट्ट जी ने वहाँ उठाया और माननीय नरेंद्र मोदी जी भी पूरे अवलोकन करते हैं, देखते हैं पूरी टीम को उन्होंने कैसे रखा है, कैसे बदला है, कैसे महत्वपूर्ण विभाग उसको दिए गए हैं, वो सब आप सबके सामने दिखाई देते हैं। खुशी है, धन्यवाद। बहुत महत्वपूर्ण, मैंने पहले कहा ऐसे महत्वपूर्ण मामलों में जो बहुत सेंसिटिव मामले होते हैं उनमें बहुत गंभीर आदमी का होना बहुत जरूरी है और गंभीर आदमी अजय भट्ट जी से बड़ा कोई हो नहीं सकता। अजय भट्ट जी बहुत सैनिकों की, पूर्व सैनिकों की सैनिक वर्ग क्योंकि खबर बहादुराबाद से है, जहां कार्यकारी अध्यक्ष युवा कांग्रेस रवि बहादुर के नेतृत्व में बढ़ती महंगाई को लेकर एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया गया। युवा कांग्रेस की ओर से बहादुराबाद कलियर रोड पर बढ़ती महंगाई के विरोध में एक दिवसीय धरना के दौरान प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने कहा कि बीजेपी सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आज जनता त्राही त्राही कर रही है। कांग्रेस द्वारा पूरे प्रदेश भर में महंगाई के मुद्दे को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। महंगाई का मुद्दा इस समय प्रदेश के साथ साथ देश का एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, क्योंकि ये वो मुद्दा है जो सीधा हर एक परिवार के रसोई तक हमला करता है, चाहे वो गैस का मुद्दा हो, चाहे वो सिलेंडर का मुद्दा हो, चाहे वो तेल का मुद्दा हो। ट्रांसपोर्ट महंगा होगा, हर चीज़ महंगी होगी, हर एक चीज़ों के दाम महंगे होते जा रहे हैं। के लिए दो चीजें हैं, एक तो पेट्रोल और डीजल के दाम कम करने पड़ेंगे, दूसरे किसानों की जो प्रोडक्ट है गेहूँ चावल गन्ना सब्जी उसे महंगा खरीदना पड़ेगा, लेकिन उसको महंगाई को रोकने के लिए पेट्रोल डीजल को जो है वो कम दाम करने पड़ेंगे और दूसरी जो किसानों की प्रोडक्ट महंगे खरीद रहे हैं उनको कम करने के लिए आम जनता को जो मध्यम वर्ग है उसको सब्सिडी देती थी कांग्रेस। उत्तराखंड के नए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने न्यू कैंट रोड स्थित मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय में पूजा अर्चना कर कार्य का शुभारंभ किया। वहीं मुख्यमंत्री बनने के बाद पुष्कर सिंह धामी ने पहली बार मुख्यमंत्री कार्यालय पहुंचकर शासकीय कार्यों की शुरुआत की।
उत्तरकाशी में आज बढ़ती महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, महिलाओं के साथ बलात्कार की घटनाओं, किसानों की समस्याओं और हरिद्वार कुंभ में हुए आरटीपीसीआर टेस्ट महाघोटाले सहित डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, सब्जी और घरेलू खाद्य सामग्री के बढ़ते दाम समेत तमाम मुद्दों को लेकर उत्तरकाशी कांग्रेस की तरफ से जिला मुख्यालय में निरंकुश बीजेपी सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर पुतला दहन किया गया। उत्तराखंड में भी दिल्ली की तर्ज पर चुनावों से पहले मुफ्त बिजली देने का ऐलान बीजेपी सरकार ने किया है। दरअसल पुष्कर सिंह धामी सरकार ने प्रदेश के नए ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत ने चुनावों से 6 महीने पहले मुफ्त बिजली देने का दांव खेला है। हालांकि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने 200 यूनिट तक फ्री बिजली देने की बात करीब 1.5 साल पहले ही कर दी थी। अब ऐसे में माना जा रहा है कि चुनाव से पहले मुफ्त बिजली देने का ऐलान सिर्फ वोट बैंक को लेकर किया गया है। अपने विभाग पर समीक्षा करने के आधार पर विचार बनाया है कि जो वसूली थी विशेष करके और 15 मई तक कोरोना के कारण उपभोक्ताओं को 15 मई तक बिल जमा करने थे, हम बहुत जल्दी कैबिनेट में ले जाएंगे और हमने अपनी तरफ से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत किया है कि 31 अक्टूबर तक जो 15 मई तक जो छूट थी बिल जमा करने की, सरचार्ज माफ करने का क्योंकि जो सरचार्ज लगता है जब वो उन पे, उसके लिए हमने अब ये निर्णय लिया है कि मतलब प्रस्ताव हम कैबिनेट के लिए ले जा रहे हैं कि हम लगभग 31 मई तक इस पर मंत्रिमंडल निर्णय लेगा, लेकिन हमने अपने विभाग की ओर से, ऊर्जा विभाग की ओर से ये प्रस्ताव मंत्रिमंडल के लिए प्रस्तुत करने जा रहे हैं। राजधानी देहरादून के चीड़बाग स्थित शौर्य स्थल पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने वीर शहीदों को नमन किया। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि वह शुरू से ही इस तरह के शहीद स्थलों पर जाने के लिए उत्सुक रहते थे और आज उन्हें यह मौका मिला तो वो इस मौके को खोएंगे नहीं। मुख्यमंत्री ने कहा कि शौर्य स्थल को लेकर कुछ सुझाव मिले हैं पर जल्द ही सरकार उन पर मंथन करेगी। मुख्यमंत्री ने कहा ससैन्य धाम का भी जल्द ही काम शुरू हो जाएगा। नवनियुक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधिकारियों को कार्यशैली बदलने की चेतावनी का असर कितना हो रहा है, इसका उदाहरण हरिद्वार तहसील में देखने को मिला, जहां मुख्यमंत्री बनने के बाद कल पहली बार पुष्कर सिंह धामी हरिद्वार दौरे पर थे, जिसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह था। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन भी अलर्ट था। इसके बावजूद तहसील में तैनात कानूनगो अनिल कंबोज अपने दफ्तर में लेट कर फरियादियों की फरियाद सुन रहे थे। कानूनगो का दफ्तर में लेट कर फरियाद सुनने का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के गंगा पूजन कर जाने के बाद ही गंगा सभा के पदाधिकारियों सहित सैकड़ों पुरोहित धरने पर बैठ गए। बताते चले कि पुलिस प्रशासन की तरफ से कोरोना नियमों का पालन कराने के लिए हर की पौड़ी पर गंगा आरती से पहले बैरिकेड लगाकर आरतियों का प्रवेश प्रतिबंधित कर दिया जाता है। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी से पूरा देश लगभग 15 महीने पहले से प्रभावित हुआ है, जिस कारण महामारी पर अंकुश लगाने के लिए केंद्र और राज्य सरकार ने पूरे देश में पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया था। अब कोरोना वैश्विक महामारी की तीसरी लहर आने वाली है, जिसको लेकर बीजेपी सरकार ने पूरी तैयारी कर ली है। काशीपुर के राजकीय चिकित्सालय के CMS डॉक्टर PK सिन्हा के मुताबिक तीसरी लहर से लड़ने के लिए वह पूरी तरह से तैयार है। तीसरी लहर के लिए पूरी तैयारी कर रही है और सभी अस्पतालों में इसकी तैयारी चल रही है। हमारे अस्पताल में भी बच्चों के लिए NICU, PICU वगैरह और जनरल मरीज सब व्यवस्था की कर ली गई है। सर जिस तरीके से अब बहुत मरीज बढ़ गए पहले से अपेक्षा, अब जनरल मरीज और डिलीवरी केसेस काफ़ी संख्या में मरीज भर्ती होना और OPD मरीज संख्या बढ़ गई है। सिडगुल स्थित सत्यम ऑटो कंपोनेंट कंपनी से निष्कासित 300 कर्मचारियों ने अपने परिवार सहित कंपनी के मुख्य गेट पर तालाबंदी कर धरना दिया है। निष्कासित कर्मचारियों का कहना है कि शासन प्रशासन सहित कई आला अधिकारियों के दरवाजे खटखटाने के बाद भी हमें आज तक इंसाफ नहीं मिला है। 14 साल से अपने हक की लड़ाई लड़ते लड़ते आज कर्मचारियों का परिवार भुखमरी की कगार पर आ पहुंचा। लालकुआ पुलिस को मुखबिर की सूचना पर बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने लालकुआ बॉर्डर में चेकिंग के दौरान 2 अपराधियों को हथियार के साथ पकड़ा है, जिनसे पुलिस ने 7 पिस्टल, 1 तमंचा बरामद किया है। पुलिस का कहना है कि अपराधियों की पृष्ठभूमि खंगाली जा रही है, जिस पर कासगंज पुलिस से भी संपर्क किया जा रहा है। गौरतलब है कि अपराधी शहर में हथियारों को लेकर किस मकसद से आ रहे थे या कौन सी बड़ी घटना को अंजाम देना चाहते थे, इन सभी चीज़ों को लेकर पुलिस जाँच में जुट गई है। 2 अभियुक्तों को टाटा सुमो गाड़ी से गिरफ्तार किया, जिसके कब्जे से 7 पिस्टल और 1 तमंचा उनके कब्जे से बरामद हुआ है। फिलहाल हम उससे पूछताछ कर रहे हैं कि आखिर वो किस पर्पज से और कहां पर देने के लिए या क्या उसका मकसद था जिसके लिए वो ला रहे हैं।
और साथ साथ में उनकी हम कासगंज पुलिस से भी संपर्क कर रहे हैं ताकि हम ये पता कर सकें कि उनका क्रिमिनल बैकग्राउंड क्या है, उनके क्रिमिनल हिस्ट्री क्या है। उत्तराखंड में मौसम का मिजाज बदल चुका है। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह की माने तो आज प्रदेश में कई जगह हल्की बारिश हो सकती है, लेकिन 7 जुलाई से प्रदेश में कई स्थानों पर अच्छी बारिश देखने को मिलेगी। मौसम निर्देशक विक्रम सिंह ने कहा कि 8 जुलाई से प्रदेश में मॉनसून की ज्यादा एक्टिविटी देखने को मिलेगी। इसके अलावा 8 जुलाई को कुमाऊं और गढ़वाल के कई जिलों में भारी बारिश देखने को मिल सकती है। तो फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप बने रहिएगा न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ। धन्यवाद। We'll be right back.